नमस्कार दोस्तों, क्लिकाओ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित सभी प्रश्न और आंसर के बारे में, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली सभी जो नई वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक से, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 अभी खत्म हुआ और उसका रिजल्ट था 23 मई को, तो बीजेपी को मिली है 303 सीट। याद रखिएगा, 303 सीट मिली है। और ये लोकसभा जो चुनाव था वो 70वां लोकसभा चुनाव था। तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था वो था 16वां लोकसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को मिली थी 282 सीट। और याद रखिएगा, और एनडीए को, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको 2019 में उसको मिली है 352 और 2014 में मिली थी 336। याद रखिएगा, आप ये फोटो देख सकते हो कि 2019 का लोकसभा का इलेक्शन का ये रिजल्ट है, जिसमें टोटल 543 सीट्स थी और उसमें 542 सीट्स का रिजल्ट है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो पार्टी है वो है बीजेपी, और जिसको टोटल सीट मिली है 303, और दूसरे नंबर पे है कांग्रेस, जिसको मिली है 52, और थर्ड पार्टी जो है वो है डीएमके और इसको मिली है 23। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कब करेंगे? सही आंसर है बी, 30 मई को। वैसे शपथ जो होता है कौन दिलाता है? शपथ जो दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अभी के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये भी याद रखना है, वो है 25 वर्ष। और भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो तो सब लोग जानते ही होंगे, वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े? सही आंसर है बी, वाराणसी। वैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें दो जगहों पर चुनाव लड़ा था, एक था वडोदरा और दूसरा था वाराणसी। और वडोदरा जो सीट थी वो उसने जीतने के बाद खाली कर दी, वैसे दोनों सीट पे वो जीत गए थे नरेंद्र मोदी। वडोदरा की जो सीट है वो खाली कर दी, और वडोदरा जो है गुजरात में आया है और वाराणसी जो है वो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, 2019 लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे? सही आंसर है 4। 2019 लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वो है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। और ये सभी का रिजल्ट जो था वो 23 मई को आया था। याद रखिएगा, 23 मई को। अगला प्रश्न, देश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर मतगणना महिलाओं के द्वारा हुई? सही आंसर रहेगा इसका सी, हरदा। हरदा जो सिटी है वो मध्य प्रदेश में आया है। और चुनाव में पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये जो प्रयोग हुआ उसमें हरदा में पहली बार महिला कर्मचारियों द्वारा मतगणना हुई, यानी कि वोटों की गिनती की गई। अगला प्रश्न, लगभग कितने लोग इस चुनाव के लिए पहली बार मतदाता है? सही आंसर है 13 करोड़। ये 13 करोड़ जो मतदाता है वो पहली बार वोट डालेंगे, और कुल मतदाता जो है वो है 90 करोड़। याद रखिएगा, और इस बार लगभग 10 लाख मतदान केंद्र थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 का प्रथम चरण का चुनाव किस तारीख को शुरू हुआ था? सही आंसर है 11 अप्रैल को। लोकसभा चुनाव 2019 का प्रथम चरण जो है 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 19 मई को। याद रखिएगा, और सभी का जो रिजल्ट है वो 23 मई को आया था। आप यहां पे फोटो देख सकते हो, जनरल इलेक्शन 2019 वो 7 फेज में हुआ था, यानी कि 7 चरणों में हुआ था। सबसे पहला चरण जो था वो 11 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था और खत्म हुआ था 19 मई को,
और रिजल्ट जो था वो था 23 मई को, और सबसे ज़्यादा सीट जो थी वो थी 23 अप्रैल को, यानी कि तीसरे चरण में होने वाले जो मतदान में सबसे ज़्यादा सीट थी 115, और टोटल सीट जो थी वो थी 543। अगला प्रश्न, किस चरण में सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है? चरण 3। अभी मैंने आपको बताया कि आगे हमने जो फोटो देखा उसमें चरण 3 में सबसे ज्यादा जो सीट है वो आवंटित की गई थी, किसमें? लोकसभा चुनाव 2019 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ था? सही आंसर है 7। वैसे 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वो 9 चरणों में हुआ था, याद रखिएगा 9 चरणों में, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो 7 चरणों में हुआ। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली? सही आंसर है 52। लोकसभा चुनाव 2019 का 17 नंबर का लोकसभा चुनाव था और उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 16वें लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो वो थी 44, यानी कि 2014 का जो इलेक्शन था वो 16वां लोकसभा का चुनाव था और उसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अभी यूपीए की बात करें तो यूपीए जो है उसको टोटल 92 सीट मिली, याद रखिएगा 92 सीट मिली 2019 में और 60 सीट मिली 2014 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है डी, 552। वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं 545, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? सही आंसर है डी, 62। आपको ये प्रश्न में से एक और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीट है लोकसभा चुनाव की, तो वो है 80, याद रखिएगा। ऐसा पूछे कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अमेठी लोकसभा सीट से राहुल को हराकर निम्नलिखित में से किसने जीत दर्ज की है? सही आंसर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है उसको 55,120 वोट से राहुल गांधी को हराया। वैसे ये जो अमेठी लोकसभा है, अमेठी लोकसभा सीट, वो राहुल गांधी का एक गढ़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से कांग्रेस हर बार जीतती है, यानी कि राहुल गांधी हर बार जीतते हैं वहां पे, और 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था 1 लाख वोटों से। पर 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल गांधी जो है वो अमेठी से हार गए और स्मृति ईरानी जीत गए। राहुल गांधी दो जगह से खड़े थे, वायनाड और अमेठी से, पर अमेठी में हार गए और वायनाड में जीत गए। वायनाड जो है वो केरला में है। अगला प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? सही आंसर है डी, डीएमके। डीएमके जो है वो तमिलनाडु की एक पार्टी है, उसका पूरा नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम, और उसको 23 सीट मिली है और वो लोकसभा चुनाव 2019 में के लिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। तो वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? वो है रामनाथ कोविंद, और पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने 23 मई 2019 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है बी, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो है तेलुगु देशम पार्टी, और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पर अभी जो 2019 का जो चुनाव था उसमें वो हार गए, और नए सीएम होंगे अभी जगमोहन रेड्डी, याद रखिएगा जगमोहन रेड्डी, और उसकी पार्टी का नाम है वाईएसआर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें तो वो है 175, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिली 151। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो
तो वो है ESL नरसिम्हा। अगला प्रश्न, उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? सही आंसर है डी, नवीन पटनायक। आपको ये याद रखना है यहां पे कि नवीन पटनायक उड़ीसा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। अगला प्रश्न है, 2019 लोकसभा चुनाव पूरे भारत में 7 चरणों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? सही आंसर है 67.11%। और 2014 का पूछे तो 2014 में 66.40% हुआ था और 9 चरणों में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। सबसे पहले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता आधिकारिक रूप से पंजीकृत है? सही आंसर है 90 करोड़, यानी कि 90 करोड़ लोग मतदान करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 में। अगला प्रश्न है, वीवीपैट में एक का मतलब क्या है? सही आंसर है सी, ऑडिट। उसका मीनिंग होता है लेखा परीक्षा। और वीवीपैट का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो वो है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि एक का फुल फॉर्म होता है ऑडिट। और इसका चुनाव में पहली बार उपयोग 2013 में हुआ था, यानी भारत के नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र है उसमें हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर है केरल। ईवीएम का फुल फॉर्म देखिए तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का आविष्कार 1980 में MB हनीफा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नोटा का उपयोग पहली बार भारत में कब किया गया था? सही आंसर है 2009 को। नोटा का जो अर्थ होता है वो होता है नन ऑफ द अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद होना जरूरी है? सही आंसर है 55। वैसे लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिले हैं 52 और होने चाहिए 55, इसलिए कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। और 2014 के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कांग्रेस को मिले थे 44, तो उसमें भी कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला था और इस बार भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार हर बूथ पर पारदर्शिता लाने हेतु कुल कितनी वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुई? वो हुई 17.4 लाख, याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव में करीब 39.6 लाख ईवीएम यूज किए गए और 17.4 लाख वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुई, और जिनमें रिजर्व मशीनें भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा आम चुनाव 2019 में पहली बार मतदाता हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है, यह मतदाता नंबर क्या है? सही आंसर है 1950। मतदाताओं की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है, जहां से वोटर्स चुनाव प्रक्रिया के बारे में सभी जानकारी जुटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले पवन कुमार चामलिंग किस राज्य से विधानसभा चुनाव हारे हैं? सही आंसर है सी, सिक्किम। हाल ही में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में 24 साल की जो चामलिंग सरकार है वो विधानसभा चुनाव हार चुकी है और नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं प्रेम सिंह तमांग। याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष भी है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अनुच्छेद 324 लागू किया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि कोलकाता में अमित शाह की जो रैली थी उसके दौरान हिंसा भड़क उठी थी और चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का उपयोग करते हुए वहां पे पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार को रोक दिया।
और ऐसा जो है वो भारत में पहली बार हुआ कि जिसमें अनुच्छेद 324 लागू किया गया। अगला प्रश्न है, चुनाव 2019 में मतदान केंद्र की कुल संख्या क्या है लगभग? सही आंसर है 10 लाख, और कुल 90 करोड़ लोग मतदान करेंगे किसमें? लोकसभा चुनाव 2019 में। अगला प्रश्न, मतदान के संदर्भ में सबसे बड़ी गिरावट किस राज्य में देखने को मिली? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। आपको यह भी याद रखना है कि सर्वाधिक मतदान किस राज्य का हुआ, तो वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया था? सही आंसर है सी वेलोर। आपको पता होना चाहिए कि कैश फॉर वोट के कारण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार कोई लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया है, वो है वेलोर का। वहां पे करीब 11 करोड़ रुपए केस बरामद हुए, और वो जो वेलोर है वो तमिलनाडु की एक सीट है, वहां पे चुनाव को रद्द कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाक मत पत्र का उपयोग कर वोट कर सकता है? सही आंसर रहेगा ऊपर के सभी, यानी कि सैन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चुनाव ड्यूटी कर्मचारी, ये सभी लोग चुनाव के वक्त अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं रह पाते, और वो सभी लोग जो है वो डाक पत्र का यानी कि डाक मत पत्र का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सही आंसर है 5 वर्ष। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में चुनाव आयोग होगा? सही आंसर है अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर है श्याम शरण नेगी। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले श्याम शरण नेगी, जिसकी उम्र है 102 साल, जिन्होंने 1951 में हुए स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहला मतदान किया था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये प्रश्न का जवाब क्या होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यह बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।